गुरु जी मुझे भूल न जाना, करूं तेरा शुक्राना। गुरु जी मुझे भूल न जाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में। गुरु जी मुझे भूल न जाना। देखा करिश्मा तेरा, बदला है जीवन मेरा, बदले है मेरे हालात। ऐश कराई तूने, कृपा बरसाई तूने, बिगड़ी बना दी मेरी बात, बिगड़ी बना दी मेरी बात। तंग है सारा जमाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में। गुरु जी मुझे भूल न जाना। तेरा इशारा चले, मेरा गुजारा चले, चल पड़ा मेरा कारोबार। जय गुरु जी जब से बोला, किस्मत का ताला खोला, भर दिए मेरे भंडार, भर दिए मेरे। तंग है सारा जमाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में। गुरु जी मुझे भूल न जाना। गुरु जी मैं कमला तेरा, छोड़ियो ना हाथ मेरा, कोई ना सहारा दिल तेरे। मात पिता भी तुम हो, भाई सखा भी तुम हो, कोई ना हमारा दिल तेरे, कोई ना हमारा दिल तेरे। दे दो चरणों में ठिकाना, करूं तेरा शुक्राना। मैंने ये जीवन सौंप दिया है तेरे हाथ में। गुरु जी मुझे भूल न जाना।
जो भी रहेंगे सब ध्यान रखेंगे, जो भी संगत आएगी हम उसे प्रॉपर एक ही लाइन में बिठाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कोई कहीं बैठ रहा है कोई कहीं बैठ रहा है, तो उसको सिस्टम ترجمة
बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे सरकार
موسيقى
Thank you.
Bye.
गिरते बसो गोपाल रस रस गुण गाओ ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल हे गोपाल धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह कह रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा नू बाणी विच गोपाल भी आखे गोपाल सब दी पालना करने वाला गोपाल सब दा सिरजनहार गोपाल सब नू रिजक देन वाला गोपाल साथ संगत बोलो श्री धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पंजवे गुरु नानक इस शब्द विच अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण गांदियां आप बयान कर रहे रस रस गुण गाओ ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल हे अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करो मेरे हृदय विच आके वस जाओ सार संगत किसी नो जब तक अपने घर ना बुलाइए ना वो नहीं आना ये दुनियादार किसी रिश्तेदार नु ही घर बुलाना होवे ते कमरा किवें साफ करके रखी दे ड्राइंग रूम किवें साफ करके रखी दे भाई आके रिश्तेदार ने बैठना है या किसी महापुरख नु बिठाना है एक दुनियादार नु बिठाने वास्ते रिश्तेदार नु बिठाने वास्ते कमरा किड्डा साफ कीता कर ते जे परमात्मा नु हृदय रूप भी घर विच बिठाना ही ता अपना हृदय भी ता साफ कर साथ संगत बोलो श्री हृदय विच विकार हैं हृदय विच मैल है किसे वास्ते ईर्खा है नफरत है द्वेषता है ऐसे हृदय विच परमात्मा कभी नहीं आके वसे है फिर पूछिया जी कमरा साफ करना हो घर का झाड़ू दिता जाता है पोचा लाया जाता है कमरा साफ हो जाता है ये हिरदा रूपी कमरा किवें साफ हो ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਪਰ ਗੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਣ ਦਾ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਣ ਦਾ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾ ਨਾ ਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੇਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੰਦ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਿੱਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਝੂਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੋਰੇ ਹਿਰਦੇ Thank you.
गायक संत बाबा सुजान सिंह जी ऐसा कीर्तन कीता गुरु नानक ने रिझाया पानी पढ़ के बाबा जी ने रिझाया ऐसे रस रस गुण गाए ऐसा प्यार नाल कीर्तन कीता आके संसार विच साध संगत जी महापुरखां दा कीर्तन जिन्हां ने भी सुनिया ना जपण वाले मन भी जपण लग पे परमेश्वर दा नाम उचारण करो श्री महापुरख क्या करते सन गुरु ते भावना रख प्यार रख सिद्धक नाल गुण गा जदों प्यार नाल गुण गाएगा जदों कोई संगत विच बह के प्यार नाल वाहिगुरु जी दे गुण गाउंदा है ना गुरु नानक साहब के गुण गाता है गुरु नानक साहब का भी मुख गुण गाने वाले वल हो जाता है उच्चारण करो श्री जिन्होंने प्यार नाल गुण गाए ताई महापुरख क्या करते सन गुरु दे नाल आके भाव ना गा कि मेरा आ काम कर दे गुरु मैं तेरा नाम जपया नितनेम कीता मेरा वो काम भी कर ये भी कर ये तो भाव है भाव का गुरु दे नाल भाव ना कर कि मेरा ये काम कर दे मैं नाम जपया वो काम कर दे ये तो मजूरियां भाव करना है कि भाई मैं ये काम कीता तेरा नाम जपया मेरा आ काम कर ये भाव है महापुरख क्या करते सन भाव ना कर भावना कर गुरु के उच्चारण करो श्री असि भाव करन लगते हैं असि आ काम कीता है गुरु मेरा आ काम कर भावना कर ये तो भाव तौल हो गए भावना कर भावना कर गुरु के भावना करके जदों नाम जपेगा रस रस गुण गाएगा केड़ी दात नहीं जड़ी गुरु नानक तेरी चोली विच नहीं पाएगा सब कुछ दे देगा जो प्यार नाल नाम जपदे गुण गाउंदे साहिब दे उन्हां नूं सब कुछ प्राप्त हुंदा साहिब कहिंदे धन गुरु अर्जन देव पातशाह नेत्र पुनीत भए दर्श पे मेरे नेत्र पुनीत हो गए हे सतगुरु तेरा दीदार पा गए रस रस गुण गाओ ठाकुर के मुरे हिरदे वसो गोपाल नेत्र पुनीत भए दर्श बेखे माथे परो रवान रस रस गुण गाओ ठाकुर के मुरे हिरदे वसो गोपाल आओ तुसी भी प्यार नाल आज गुण गाओ ते तुहाडे सदके असीं भी गाईए पता नहीं किस दे प्यार दे सदके किते हिरदे विचों उपजी ए प्रीत भावना दी पुकार सुन लवे ते साडे भी हिरदे रूपी घर विच आ के गुरु नानक वस जावे आओ प्यार नाल एक बारी सारे जपिए मोरे हिरदे Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
आगे ना आए।
एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आज जो बहुत ही कीमती है मेरे लिए. मेरा एक ड्रीम था कि कैथल में गुरुजी का मंदिर बने और शायद गुरुजी ने अपनी रजामंदी दे दी है तो गुलमोहर सिटी में गुरुजी का मंदिर बनने था. जय गुरुजी, जय गुरुजी. और यहाँ गुरुजी की सेवा एक इंसान नहीं कर सकता, सब मिलकर करेंगे. और जो भी मंत्र सत्संग तब तक चलते रहेंगे जब तक वो मंदिर तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि मंदिर बनने में 2-3 साल लगेंगे. और तब तक यहाँ मंत्र सत्संग हर महीने गीता भवन मंदिर में होता रहेगा. और बाहर एक सेवा के लिए हमने एक बॉक्स रखा है, जो भी इंसान अपनी सेवा वहाँ डालना चाहे डाल सकता है, क्योंकि ये सबका मंदिर है तो कॉन्ट्रीब्यूशन सबका है. मैं चाहती थी कि ये गुप्त सेवा रहे, कोई ऐसा इंसान है जो 10 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और कोई ऐसा है जो लाखों कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो किसी का नाम ही ना पता चले, वो एक बॉक्स में जाए और सिर्फ गुरुजी जाने जाने, क्योंकि जिसने सेवा देनी है उसने दिल से देनी है, उसका भाव देखा जाता है, पैसे नहीं देखे जाते. तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. और जो लंगर आप खाने वाले खा रहे हैं, सारी ब्लेसिंग्स इसमें, प्लीज अपना लंगर और जल प्रसाद बिल्कुल बीच में मत छोड़ना. और कभी इस फीलिंग से मत खाना इतना सारा लंगर आ गया, वो आपका प्रसाद है, आपकी दवाई है, आपको हील करेगा हर तरह से. शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना. जय गुरु जी. बाहर गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं. जिस संगत के पास गुरु जी का स्वरूप ना हो, ब्रेसलेट ना हो, वो ले सकते हैं बाहर से. वहाँ अमन अंकल, नीतू आंटी बाहर होंगे. और नितिका आंटी को आप व्हाट्सएप पे अगर ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में तो आप अपना नंबर लिखवा सकते हैं. जय गुरु जी. और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है, बच्चे वेलकम है, बट जब नेक्स्ट टाइम से जब भी बच्चे आए हम चाहेंगे कि सब कोऑपरेट करें और बच्चों वाले सीधा उस पैसेज में मत्था टेकें और उस पैसेज की तरफ जाएं, ताकि जो यहाँ बैठे वो एटलीस्ट मेडिटेट कर सकें, क्योंकि बच्चों को हम शोर मचाने से नहीं रोक सकते. आई एम सॉरी किसी को बुरा लग रहा हो, बट बच्चों के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े प्यारे, हम छोड़ नहीं सकते लेकिन हम उनकी जगह बदल सकते हैं. जय गुरु जी.
होली के कुछ दिन बाद उस दिन भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था। उस दिन मैंने ऐसे ही कॉफी बना के गुरु जी को भोग लगाया और भोग लगाया तो पूरे गुरु जी जैसे कॉफी के ऊपर मलाई आ जाती है पूरे गुरु जी के गुरु जी बने हुए थे उसके ऊपर। वो कॉफी मैंने पी, उससे पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी। उसके बाद मेरे दुपट्टे पे कोई ऐसी चीज थी, मैं मेरे कपड़ों पे किसी ने कुछ कर रखा था, एक किसी ने मेरे को दुपट्टा दे रखा था गिफ्ट में, वो मेरी अलमारी में पड़ा था। तो जैसे ही मैं वो दुपट्टे ओढ़ती थी मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। तो फिर जैसे मैंने गुरु जी का चंदन से तिलक करना शुरू किया तो मैं ना रोज वो तिलक ना गुरु जी का टावल से साफ करती थी रात को सोते हुए। उस दिन ना मैंने अपना दुपट्टा उठा लिया एक और मैंने कहा आज मैं गुरु जी का ना तिलक अपने दुपट्टे से साफ करती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि जो मैंने तिलक साफ किया ना बिल्कुल मैंने हल्के से उसे साफ किया, गुरु जी का ना स्वरूप खंडित हो गया। तो फिर रात को गुरु जी मेरे सपने में आए और मुझे कहते पुत्र तू निश्चिंत होके सो जा मैं बैठा हूँ। बात ये थी किसी ने मेरे को जो शमशान घाट वाली माला होती है ना वो गिफ्ट कर रखी थी। तो अपनी थाली में कोई लंगर ना बचाए, लंगर वेस्ट हो रहा है बहुत। तो मेरे को वो माला जो मेरे घर पड़ी थी उसको मैं गले में भी डालती थी और श्री शिवाय नमस्तु पे उनका जाप करती थी और उससे वो मेरे को बहुत तंग कर रही थी चीज, मुझे नहीं पता था। तो जब गुरु जी ने मेरे को इशारा दिया कि भई ये माला ठीक नहीं है, और भी टेडी बियर वगैरह दे रखे थे, जो मेरा बच्चा गया वो भी इसी वजह से गया, वो चोली में जो सामान आया काफ़ी था ऐसा। तो जैसे ही मैंने वो सारा सामान इकट्ठा किया ना यहाँ से ये उठा, मैंने कहा मैं नहीं उठाती। आज तक भी गुरु जी के चरण मेरे बेड पे हैं और वो मेरी इतनी संभाल कर रहे हैं। और जब वो चीज़ें मैंने घर से निकाली 2:30-3 बजे मैं इतना रो रही और गुरु जी ने मेरे को मैंने ना फेसबुक खोली, मैंने कहा मैं गुरु जी का देखती हूँ कोई मैसेज आया होगा, मुझे बहुत डर लग रहा। और गुरु जी का मैसेज आया हुआ पुत्र तू डर ना, मैं तेरे सोफे पे बैठा तू बिल्कुल ना डर। फिर मैंने कहा गुरु जी मेरे को कह रहे हैं और नीचे लिखा हुआ हाँ पुत्र